अभी हमने देखा कि ओवरऑल अगर समेशन एक्शन कई सिग्नल्स का समेशन है, राइट साइडेड हो सारे या सारे लेफ्ट साइडेड हो या कुछ लेफ्ट साइडेड हो कुछ राइट साइडेड, तो उसके केस में जेट ट्रांसफॉर्म आप निकालते हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आरओसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, क्या अगर कोई LTI सिस्टम है, एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो बार बार आपको एग्ज़ाम में आएगा, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म के बारे में। इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म और भी इम्पॉर्टेंट है, कैसे इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना सिंपल है रदर देन इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म से, लेकिन जेट ट्रांसफॉर्म की इन्फॉर्मेशन को कैसे हम रिलेट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने बेसिक चीज़ें डिस्कस करी, कैसे आरओसी राइट साइडेड का होता है, क्या लेफ्ट साइडेड का होता है, दोनों को मिक्स करेंगे तो ओवरऑल आरओसी क्या होगा। इस पर कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं, उसको आप इजिली कर सकते हो, इजिली मैंने उसको क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब किसी LTI सिस्टम, डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम का अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स HN गिवेन हो तो इसका भी मैं जेट ट्रांसफॉर्म निकाल सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है, क्या एच ऑफ जेट को देख के मैं ये बता सकता हूं कि अभी मैंने बताया था आपको LTI सिस्टम का अगर इंपल्स रिस्पॉन्स HN गिवन हो तो आप क्या कर सकते हो। HN अगर आपको गिवन हो तो HN को देख के मैंने आपको सिखाया था कॉजलिटी बता सकते हो, और क्या बता सकते हो, स्टेबिलिटी बता सकते हो। तो कॉजलिटी कैसे बताओगे आप बताइए, कॉजलिटी आप इस तरह से बताओगे कि HN अगर N लेस देन 0 के लिए 0 हो जाए तो कहते हैं कि HN LTI सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है किस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में अगर मॉड ऑफ HN का समेशन राइट फ्रॉम N टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाए, कन्वर्ज हो जाए, मॉड HN नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं याद रखना, मॉड HN का समेशन N माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अगर फाइनाइट हो जाए तो कहेंगे ये LTI सिस्टम जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स HN है विल बी ए स्टेबल सिस्टम। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, ये होता है। अब उसी इंफॉर्मेशन को मैं HZ के फॉर्म में कैसे रिलेट करूंगा, यहां देखिए, अगर मुझे LTI सिस्टम के इंपल्स रिस्पॉन्स HN का जेट ट्रांसफॉर्म HZ पता हो, तो HZ पता होगा तो इसका कुछ ROC R1 भी तो होगा, कहेंगे कोई भी जेट ट्रांसफॉर्म बिना ROC के मीनिंगलेस है। तो HN का जेट ट्रांसफॉर्म अगर मैं निकालूं HZ हो उसके ROC R1, इसी ROC R1, ROC होगा मॉड जेट ग्रेटर देन समथिंग, मॉड जेट लेस देन समथिंग, मॉड जेट इस तरह से होगा, ROC इस तरह के नेचर का हो सकता है। तो आप ध्यान से देखो, इस ROC से मैं कैसे बता सकता हूं कि HN स्टेबल सिस्टम होगा कि नहीं होगा, कॉजल सिस्टम होगा कि नहीं होगा, इसी ROC से मैं बता सकता हूं। अगर HN का इंपल्स रिस्पॉन्स का मैंने जेट ट्रांसफॉर्म HZ निकाला, HZ के ROC से आप बता सकते हो वेदर गिवन सिस्टम इज आपका कॉजल और नॉन कॉजल, वेदर गिवन सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है, सिंपली। अब ध्यान से देखो, अगर HZ का ROC राइट साइडेड नेचर का है, क्योंकि HN कॉजल सिस्टम है, कॉजल सिस्टम के लिए HN कैसा होना चाहिए, N लेस देन 0 के लिए क्या होना चाहिए, 0, मतलब लेफ्ट में उसका कोई पोर्शन नहीं आएगा 0 के लेफ्ट में, मतलब वो N 0 के आगे एग्जिस्ट करे, 0 से अप टू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी, या वो फाइनाइट ड्यूरेशन होगा तो 0 से लेके कुछ 2 तक, 3 तक, 4 तक, 5 तक एग्जिस्ट करे। तो दो ही नेचर हो सकते हैं कॉजल HN, इस LTI सिस्टम के कॉजल होने के लिए HN किस नेचर का आ जाए, या तो 0 या 0 के राइट में अप टू इन्फिनिटी तक जाए, या 0 से लेके कुछ फाइनाइट ड्यूरेशन तक जाए राइट साइड में, लेकिन 0 से कम के लिए हमेशा 0 होना चाहिए, तभी यह सिस्टम कैसा होगा, कॉजल। तो अगर कोई राइट साइडेड सिग्नल है 0 या 0 के राइट में एग्जिस्ट करता है, या 0 से कुछ फाइनाइट पॉइंट तक एग्जिस्ट करता है, तो अगर राइट साइडेड है 0 से इन्फिनिटी तक है तो उसका ROC कैसा होगा, हमेशा मॉड जेड ग्रेटर देन R1 टाइप का होता है कि नहीं, मॉड जेड ग्रेटर देन R1 के टाइप का होता है। और अगर उसका कोई भी पोर्शन मॉड जेट ग्रेटर देन R1 टाइप का है तो बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकता है, अप टू इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी को इंक्लूड भी कर सकता है और एक्सक्लूड भी। अगर इन्फिनिटी को मैंने अभी बताया था, इंक्लूड कब करेगा, अगर उसका कोई भी पोर्शन 0 के लेफ्ट में नहीं गया है, HN या XN का कोई भी सैंपल 0 के लेफ्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है -1, -2, -3 के लिए, अगर तो इसीलिए उसी से इसको रिलेट करो, अगर HN का ROC किस नेचर का है, मॉड जेड ग्रेटर देन R नेचर का है,
तो कॉजल ये हो सकता है। केवल मॉड जेड ग्रेटर देन आर के नेचर का होना सफिशियंट नहीं है सिस्टम के कॉजल होने के लिए। मॉड जेड ग्रेटर देन आर का नेचर का हो और साथ में आर से बढ़ते बढ़ते अप टू कहां तक जा सकता है मैक्सिमम रेडियस मॉड जेड की वैल्यू इन्फिनिटी तक, वो मॉड जेड ग्रेटर देन आर के नेचर का हो और साथ में इन्फिनिटी पॉइंट भी इंक्लूड करता हो आर ओ सी में, तब यही एच एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक एल टी आई सिस्टम को, जो कैसा एल टी आई सिस्टम होगा, कॉजल सिस्टम होगा। तो आरओसी अगर एच एन का आरओसी, एच जेड का आरओसी अगर मॉड जेड ग्रेटर देन सम वैल्यू आर, सम स्मॉल आर वन, कोई रेडियस आर वन से ज्यादा के नेचर का है, तब ये कॉजल हो सकता है। अगर मॉड जेड इस नेचर का आ गया लेस देन सम रेडियस आर टू, तो ये तो कॉजल हो ही नहीं सकता। ये कैसा होगा, ये लेफ्ट साइडेड नेचर का सिग्नल होगा, तभी ये कैसा होगा, मॉड जेड लेस देन समथिंग। लेफ्ट साइडेड सिग्नल क्या होता है, सम पॉइंट के लेफ्ट में पूरा माइनस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है। तो अगर माइनस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है तो एन लेस देन जीरो के लिए ये एग्जिस्ट करता है, एन लेस देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करता है, तो वो कॉजल सीक्वेंस हो ही नहीं सकता, वो कॉजल सिस्टम हो ही नहीं सकता। ठीक है, सिंपली। तो इसीलिए आर ओ सी कॉजल सिस्टम के होने के लिए आर ओ सी क्या होना चाहिए, मॉड जेड ग्रेटर देन आर वन नेचर का होना चाहिए, सम रेडियस आर वन। आर वन की वैल्यू वन भी हो सकती है, वन बाई टू हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि मॉड जेड कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो ग्रेटर देन आर वन नेचर का होना चाहिए, लेकिन ग्रेटर देन आर वन नेचर का होना सफिशियंट नहीं है। आर वन से बढ़ते बढ़ते अप टू कहाँ तक होना चाहिए, इसमें इन्फिनिटी भी आर ओ सी में क्या करना चाहिए, इंक्लूड। आर वन से ज़्यादा आर ओ सी में क्या क्या होगा, आर वन मान लो अगर वन ले लिया तो वन से ज़्यादा टू थ्री फोर फाइव टू थ्री फोर फाइव टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट सेवन बढ़ते बढ़ते अप टू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो आर ओ सी में, अप टू मैक्सिमम रेडियस क्या पॉसिबल है, इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी भी आर ओ सी में इंक्लूड हो जाए तो यही एच एन रिप्रेजेंट करेगा किसको, LTI सिस्टम का जो इंपल्स रिस्पांस है, यानी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहली चीज क्लियर। अब दूसरी चीज आते हैं आरओसी से स्टेबिलिटी बताने पे। ये HN है, LTI सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस, इसका जेट ट्रांसफॉर्म है HZ, इसका आरओसी R1 है। अब आरओसी R1 के लिए सिंपली कुछ नहीं देखना, स्टेबिलिटी के लिए अगर इसके आरओसी में मॉड जेड इज इक्वल टू वन पॉइंट इंक्लूडेड है, मतलब रेडियस वन इंक्लूडेड है, तो ये सिंपली स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मॉड जेड इज इक्वल टू वन रेडियस में इंक्लूडेड नहीं है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंपली ये रिप्रेजेंट करेगा अनस्टेबल सिस्टम को। तो इसके लिए स्टेबिलिटी के लिए जरूरी नहीं है कि वो राइट साइडेड ही हो या लेफ्ट साइडेड ही हो, वो राइट साइडेड भी हो सकता है, वो लेफ्ट साइडेड भी होते हुए स्टेबल हो सकता है, या वो कॉम्बिनेशन हो सकता है राइट साइडेड प्लस लेफ्ट साइडेड का, उसके होते हुए भी आर ओ सी मॉड जेड इज इक्वल टू वन पॉइंट इंक्लूड कर सकता है, और अगर इंक्लूड करेगा तो कैसा सिस्टम होगा, स्टेबल। जैसे मैं कहूँ मॉड जेड आर ओ सी है मॉड जेड ग्रेटर देन वन बाई टू, वन बाई टू से जितने ज़्यादा रेडियस सारे पॉसिबल हैं वो आर ओ सी में आएंगे। तो वन तो वन बाई टू से ज़्यादा वाला रेडियस है, मतलब मॉड जेड इज इक्वल टू वन रेडियस आपके आर ओ सी में इंक्लूड करेगा, ये किस सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, स्टेबल। मैं कहूँ मॉड जेड ग्रेटर देन वन, ये किस सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, स्टेबल को करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। यहाँ इक्वल टू साइन वन पे नहीं है, इसके आर ओ सी में वन से ज़्यादा वाले रेडियस आएंगे, मॉड जेड इज इक्वल टू वन रेडियस नहीं आएगा। अगर मॉड जेड इज इक्वल टू वन रेडियस इंक्लूडेड है तभी कहेंगे सिस्टम स्टेबल है, ये अनस्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। मैं कहूँ मॉड जेड लेस देन टू है, ये किसको, स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा क्या, मॉड जेड लेस देन टू, पहले तो कॉजल सिस्टम हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉजल के लिए वो राइट साइडेड मॉड जेड लेस ग्रेटर देन आर नेचर का होना सबसे पहली कंपलसरी कंसीडर है, और ग्रेटर देन आर के साथ साथ इंक्लूडिंग इन्फिनिटी भी होना चाहिए आरओसी में, तब जाके कॉजल होता है। तो लेस देन वाला तो सीधे ही सीधे क्या हो गया, नॉन कॉजल, सिंपली ये नॉन कॉजल है, लेकिन स्टेबल है कि अनस्टेबल, मॉड जेड लेस देन टू, टू से जितने रेडियस पॉसिबल हैं, जहां पे टू इंक्लूडिंग नहीं है एक्सक्लूडिंग है, ये इक्वलिटी साइन नहीं है, टू से जितने कम रेडियस पॉसिबल हैं वो सारे आरओसी में है। तो मॉड जेड इज इक्वल टू वन रेडियस टू से कम वाले में ही आएगा, टू से कम ही तो है वन, तो यानी कि मॉड जेड इज इक्वल टू वन आर ओ सी में है, तो ये किस सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्टेबल सिस्टम को। इसी तरह से आर ओ सी इस नेचर का भी तो होता है, ग्रेटर देन वन लेस देन टू, इस नेचर का भी होता है, बाउंडेड ऑन लोअर साइड बाई वन एंड हायर साइड बाई टू, बाउंडेड है, एक स्ट्रिप है, फाइनाइट स्ट्रिप है, कहाँ पे, जेड प्लेन में एक फाइनाइट स्ट्रिप का एक सर्किल है, ठीक है। तो यहां देखो ये वन को भी एक्सक्लूड कर रहा है, यहां पे टू को भी एक्सक्लूड कर रहा है, तो यहां मॉड जेड इज इक्वल टू वन इंक्लूडेड है क्या, नहीं इंक्लूडेड है, तो ये किस सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, अनस्टेबल। मैं कहूं मॉड जेड ग्रेटर देन वन बाई टू है एंड लेस देन थ्री है,
तो देखो मॉड जेड 1/2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से कम, तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1 इन्हीं दोनों के बीच में आएगा कि नहीं, वो आरओसी का पार्ट है मॉड जेड इज इक्वल टू 1, तो ये किस सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, स्टेबल सिस्टम को। तो स्टेबल सिस्टम होने के लिए सिग्नल राइट साइडेड नेचर का भी हो सकता है, एचएन लेफ्ट साइडेड नेचर का भी हो सकता है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, होते हुए भी स्टेबल। लेकिन कॉजल होने के लिए वो राइट साइडेड नेचर का या फाइनाइट ड्यूरेशन नेचर का होना चाहिए, और वो एन लेस देन जीरो के लिए जीरो होना चाहिए। उसका आरओसी हमेशा किस नेचर का होना चाहिए, तो आरओसी को देख के तुरंत जज कर लिया करो। आरओसी हमेशा कॉजल होने के लिए मॉड जेड ग्रेटर देन आर वन नेचर का होना चाहिए, लेकिन मॉड जेड ग्रेटर देन आर वन सफिशियंट नहीं है। आर वन से बढ़ते बढ़ते अप टू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, इन्फिनिटी। अगर ग्रेटर देन आर वन नेचर का है और साथ में इन्फिनिटी पॉइंट को भी इंक्लूड कर रहा है आरओसी में, तो ये कैसा हो जाएगा, कॉजल सिस्टम हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिए, इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, है ना। तो मैंने एग्जांपल थोड़े बहुत आपको बता दिए, जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूं उससे करते हैं। एक एचएनएलटीआई सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस है, ये कितना गिवन है, -2/3 टू द पावर एन यू ऑफ एन प्लस नहीं, यहां पे माइनस ले लेते हैं, 4/3 या इस तरह से लेते हैं 5/4 टू द पावर एन यू ऑफ -n-1। आपसे पूछ दिया जाएगा ये कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है कि नॉन कॉजल, स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है या अनस्टेबल। तो देखो मैंने कॉजल के लिए क्या बताया था, कॉजल के लिए तो यहीं से बता सकते हो, आरओसी की जरूरत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान से देख लो एक बार, आरओसी से भी बताते हैं और आपको किससे बताते हैं, दोनों चीज़ों से बताते हैं, डायरेक्टली एचएन से। अगर एच एन एन लेस देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करेगा तो कहते हैं वो किस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, नॉन कॉजल को। यहां से देखो यू एन तो एन जीरो या जीरो से बाद में एग्जिस्ट करेगा, तो ये तो नॉन कॉजल को नहीं कर रहा है। लेकिन उसका दूसरा पार्ट देखो, ये एन -1, -2, -3 के लिए एग्जिस्ट करता है, मतलब एच एन किसके लिए एग्जिस्ट करता है, एन लेस देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करता है, तो ये नॉन कॉजल सिस्टम। मैं आरओसी से भी इसी चीज को अभी प्रूफ करूंगा। अब देखते हैं आरओसी से हम यहां पे देखते हैं कि ये स्टेबल सिस्टम है कि नहीं, ये अनस्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है या स्टेबल। ध्यान से देखो इसका क्या आएगा, 1/1 --2/3 आएगा ए की जगह, तो ये आएगा इसका जेड ट्रांसफॉर्म विद आरओसी मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए -2/3 का मॉड कितना होगा, 2/3। इसका जेड ट्रांसफॉर्म आएगा माइनस ऑफ, तो यहाँ प्लस आएगा, -a^n यू ऑफ -n-1 का होता है 1/1 -az इनवर्स होता है फॉर आरओसी मॉड जेड लेस देन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए 5/4 का मॉड ये, तो इन दोनों का ओवरऑल आरओसी क्या होगा, मॉड जेड ग्रेटर देन 2/3 होना चाहिए और लेस देन क्या होना चाहिए, 5/4। तो एक पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, 2/3, 5/4 से कम, इन दोनों के बीच में एक पार्ट है, इसका 2/3 से ज़्यादा होना चाहिए, एक का 5/4 से कम, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रिप एग्जिस्ट कर रही है, ग्रेटर देन 2/3 एंड लेस देन 5/4। तो ओवरऑल आरओसी ये आ गया। अब आरओसी देखो राइट साइडेड नेचर का है क्या, मैंने कहा कॉजल होने के लिए मॉड जेड या आरओसी किस नेचर का होना चाहिए, मॉड जेड ग्रेटर देन आर वन नेचर का, इंक्लूडिंग इन्फिनिटी होना चाहिए। लेकिन वो है क्या, ओवरऑल आरओसी। ओवरऑल आरओसी से देखोगे एच एन का ओवरऑल जेड ट्रांसफॉर्म एंड ओवरऑल आरओसी, इसका ओवरऑल आरओसी क्या है, मॉड जेड ग्रेटर देन आर वन नेचर का है क्या, नहीं, ये ग्रेटर देन आर वन एंड लेस देन आर टू नेचर का है, तो ये कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, किसको करेगा, नॉन कॉजल। सिंपली ये क्या है, नॉन कॉजल सिस्टम, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो ध्यान से, इस आरओसी में अगर मॉड जेड इज इक्वल टू 1 पॉइंट इंक्लूड होता है तो आपका सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, अगर इंक्लूड नहीं होता है तो अनस्टेबल होगा। देखो इंक्लूड हो रहा है क्या, 2/3 से ज्यादा है और 5/4 से कम, 2/3 होगा कुछ 0.66 लेस देन 0.66 इंक्लूड नहीं करता, इससे ज्यादा वाली वैल्यू इंक्लूड करता है, 5/4 इज 1.25, तो 1.25 से कम और 0.66 से ज्यादा, मॉड जेड इज इक्वल टू 1 पॉइंट, इन्हीं के बीच में तो होगा, वो आरओसी का पार्ट है, मतलब ये किस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, एक स्टेबल। ये नॉन कॉजल है बट स्टेबल, एलटीआई तो है ही, तभी ये चीजें आप अप्लाई कर पा रहे हो। तो इस तरह से आप चीजों को क्या कर सकते हो, एनालाइज, आरओसी को देख के आप बता सकते हो कि वेदर गिवन सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल, वेदर गिवन सिस्टम इज कॉजल आर नॉन कॉजल, सिंपली, है ना, आरओसी को एनालाइज करके। अब एक चीज और देखो ध्यान से, जैसे मैं लिखूं 1/2 टू द पावर एन यू ऑफ एन, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/1 -2 जेड इनवर्स मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1/2। अब मैं लिखूं 1/2 की पावर एन माइनस साइन के साथ यू ऑफ -n-1,
इसका भी जेड ट्रांसफॉर्म आएगा 1-1/2 जेड इनवर्स मॉड जेड लेस देन 1/2 के लिए आएगा सेम, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो 1/1-1/2 जेड इनवर्स का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ये भी हो सकता है, 1/1-1/2 जेड इनवर्स का इनवर्स ट्रांसफॉर्म ये भी हो सकता है। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म होगा क्या, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस आरओसी पे डिपेंड करेगा। अगर मैं 1/1-1/2 जेड इनवर्स लिखा हूं तो इस अगर आरओसी गिवन है मार्ज जेड ग्रेटर देन 1/2, आरओसी किस नेचर का है, राइट साइडेड नेचर का या अपवर्ड डायरेक्टेड। तो जो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म आएगा वो किस नेचर का आएगा, राइट साइडेड नेचर का आएगा, मतलब उसमें किस नेचर का आएगा, यूएन नेचर का आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आरओसी मॉड जेड लेस देन समथिंग का है मतलब वो इनवर्ड डायरेक्टेड है, तो जो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म होगा वो किस नेचर का होगा, वो लेफ्ट साइडेड नेचर का होगा, मतलब उसमें क्या आएगा, यू ऑफ माइनस एन वाला टर्म आने लगेगा। तो ध्यान रखना आरओसी अगर मॉड जेड ग्रेटर देन आर1 नेचर का है तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म यूएन नेचर का आएगा, राइट साइडेड नेचर, यूएन राइट साइडेड नेचर का होता है और यू ऑफ माइनस एन लेफ्ट साइडेड नेचर का होता है। तो अगर मॉड जेड लेस देन आर2 नेचर का आरओसी है तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म होगा क्या आपका, यू ऑफ माइनस एन नेचर का। तो इस तरह से इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते वक्त ये चीजें आप ध्यान रखना, मैंने इसको बता दिया। अब ध्यान से अगर देखो 1/1-1/2 जेड इनवर्स, इसका अगर पोल निकालोगे तो आएगा पोल जेड इज इक्वल टू 1/2 पे। मैंने अभी कहा था आरओसी कैन नॉट इंक्लूड पोल, ठीक है। तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1/2, इसका पोल कहां पे है, 1/2 पे है, तो आरओसी या तो होगा मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2। अब मैं कहूं एक पोल है, इस पोल के करस्पॉन्डिंग आप सर्किल बना लो, 1/2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा सर्किल आएगा, ये पॉइंट है 1/2 और इसका अगर सर्किल बनाओगे क्योंकि आरओसी में सर्किल होता है, तो 1/2 रेडियस का मैंने क्या बना दिया, सर्किल। अब आरओसी कभी पोल को इंक्लूड नहीं करता, तो 1/2 पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर सकता मॉड जेड, तो आरओसी या तो इसके क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, या आरओसी क्या होगा, इसके अंदर की तरफ। तो कितने आरओसी पॉसिबल हैं, या तो मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 हो या मॉड जेड क्या हो लेस देन 1/2, है ना, दो आरओसी, दो आरओसी के लिए दो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह से अगर मैं कहूं आपको कि एक्स जेड किसी चीज का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स एन का एक्स जेड गिवन है, सपोज 1/1-1/2 जेड इनवर्स इंटू 1/1-2/3 जेड इनवर्स, ठीक है। तो यहां इसके पोल्स निकालोगे, इसका पोल्स क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू 1/2 एक पोल आएगा, एक जेड इज इक्वल टू 2/3 आएगा पोल। सिंपली हमें मॉड ऑफ जेड से मतलब होता है, अगर पोल अगर आपका सपोज पोल ये आ जाता 3+2j आ जाता, कॉम्प्लेक्स पोल आ जाता, पॉसिबल है कॉम्प्लेक्स पोल आ जाए, तो जेड इज इक्वल टू मान लो पोल किस पे है, 3+2j पे, या इसको ये ले लेते हैं कोई ऐसी वैल्यू लो जिससे आ जाए 3+4j पे अगर पोल है सपोज, है ना, कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, यहाँ तो रियल पोल्स आ गए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोल। तो हमें आरओसी निकालने के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, मतलब मॉड जेड चाहिए। तो मॉड जेड क्या आएगा यहाँ पे, √3 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर कितना, 25। तो मतलब इस पोल के करस्पॉन्डिंग रेडियस क्या है पॉसिबल, 5 पॉसिबल है। तो हम हमेशा रेडियस को कंसीडर करेंगे ना कि पोल्स को, सीधे, है ना, क्योंकि आरओसी में यहाँ रेडियस आता है, उस पोल का जो मैग्नीट्यूड होता है वही क्या होता है, रेडियस। तो मॉड ऑफ मॉड कैसे निकालते हैं, a+jb का √a² + b². तो यहाँ ध्यान दो, मैंने ये चीज़ बता दी, यहाँ तो रियल पोल्स हैं, तो यहाँ कितने पोल्स हैं, दो पोल्स, दोनों पोल्स के करस्पॉन्डिंग सर्कल बना लो, क्या एक 1/2 का सर्किल ये वाला है और एक सर्कल है क्या 2/3 वाला, ये सर्कल है, ठीक है, 2/3 के करस्पॉन्डिंग गोला खींच दिया, यहाँ पे भी रेडियस 2/3। अब यहाँ पे कितने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पॉसिबल हो सकते हैं, जितने अभी मैंने 1/1-1/2 जेड इनवर्स के कितने आरओसी पॉसिबल थे, दो आरओसी पॉसिबल थे। अगर दो आरओसी पॉसिबल थे तो उसके कितने इनवर्स ट्रांसफॉर्म पॉसिबल थे, दो इनवर्स ट्रांसफॉर्म पॉसिबल थे। अब यहाँ पे देखो दो पोल्स हैं सिस्टम में, तो इसके कितने इनवर्स ट्रांसफॉर्म पॉसिबल हैं मैं वो बताने जा रहा हूँ, क्या होगा, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/3, पोल कभी आरओसी में इंक्लूड नहीं हो सकता है। तो देखो 1/2 इंक्लूड नहीं होगा, 1/2 के अंदर वाला एक चीज पॉसिबल है कि ये आरओसी हो जाए, तो एक आरओसी क्या पॉसिबल है, मॉड जेड लेस देन 1/2 हो जाए, 1/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक पहला आ गया केस, ठीक है, एक पहला आरओसी ये हो गया, ठीक है। अब 2/3 है, 2/3 से ज्यादा भी हो सकता है वैल्यू, तो एक आरओसी पॉसिबल है मॉड जेड ग्रेटर देन 2/3, ठीक है, मॉड जेड क्या ग्रेटर देन 2/3, दूसरा आरओसी।
और क्या इसके आउटवर्ड डायरेक्टेड में सब कुछ हो, वो एक आरओसी पॉसिबल है। एक आरओसी क्या पॉसिबल है, इन दोनों के बीच में 1/2 से ज्यादा और 2/3 से क्या कम, तो कितने आरओसी पॉसिबल है, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 बट लेस देन क्या 2/3। केवल मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 आरओसी में ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता। अगर आप कहते हो मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 एक आरओसी है, ये पॉसिबल नहीं। क्यों, जब 1/2 से ज्यादा बढ़ते जाओगे तो एक बार 2/3 को तो भी क्रॉस करोगे, तो जैसे 2/3 को क्रॉस करोगे वो आरओसी का पार्ट हो जाएगा। लेकिन पोल क्या आरओसी का पार्ट हो सकता है, नहीं। तो केवल मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 ये आरओसी पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप पोल को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो पोल को एक्सक्लूड करने के लिए जेड लेस देन 1/2 एक आरओसी हो गया, जेड ग्रेटर देन 1/2 एंड 2/3 से लेस, इन दोनों के बीच में ये पोल इंक्लूड ना करो, एक आरओसी हो गया, और मॉड जेड ग्रेटर देन 2/3 तीसरा आरओसी हो गया। तो इसके कितने आरओसी पॉसिबल हैं, तीन। तीन आरओसी के करस्पॉन्डिंग इसके कितने इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होंगे, मॉड जेड लेस देन 1/2 के करस्पॉन्डिंग, मॉड जेड लेस देन 1/2 है तो कैसा आरओसी है, इनवर्स डायरेक्टेड आरओसी है। तो कैसे सिग्नल आएंगे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में, कैसे सिग्नल आएंगे आपके, लेफ्ट साइडेड सिग्नल आएंगे। किस नेचर के, यू ऑफ माइनस एन नेचर के, यू ऑफ माइनस एन माइनस वन नेचर के, या यू ऑफ माइनस एन नेचर के आएंगे, ठीक है। मॉड जेड ग्रेटर देन 2/3 कैसा आरओसी है, ग्रेटर देन R1 कैसा है, आउटवर्ड डायरेक्टर, तो इसमें किस नेचर के इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में कैसे सिग्नल आएंगे, यू ऑफ एन नेचर के आएंगे, कैसे, राइटवर्ड डायरेक्टेड राइट साइडेड सिग्नल। यहां पे क्या है देखो, ग्रेटर देन 1/2 है एंड लेस देन 2/3, तो ग्रेटर देन 1/2 के करस्पॉन्डिंग कैसा आएगा सिग्नल बताओ, ग्रेटर देन 1/2 है, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 के करस्पॉन्डिंग कैसा मिलेगा, यूएन नेचर का मिलेगा। और लेस देन 2/3 के लिए कैसा मिलेगा, लेस देन जब है आरओसी किस नेचर का, तो कैसा मिलेगा, यू ऑफ माइनस एन माइनस वन नेचर का, या यू ऑफ माइनस एन नेचर का मिलेगा। मैंने बताया था एक लेफ्ट साइडेड और एक राइट साइडेड, तो ओवरऑल आरओसी क्या होता है, एक फाइनाइट स्ट्रिप बिटवीन दिस, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक राइट साइडेड सिग्नल को ग्रेटर देन 1/2 वाला, और लेस देन 2/3 वाला एक लेफ्ट साइडेड सिग्नल को ओवरऑल आरओसी हो गया। तो यहाँ एक राइट साइडेड आएगा, एक लेफ्ट साइडेड, यहाँ सारे लेफ्ट साइडेड आएंगे, यहाँ सारे क्या आएंगे, राइट साइडेड आएंगे। तो आरओसी के थ्रू आपको इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालने आना चाहिए। तो ये सब ब्रीफ डिस्कशन आप हो गया, अब मैं सीधे आपको निकालना सिखाऊंगा इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म यूजिंग आरओसी, ठीक है।